बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनके न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। मकसूद शरीफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक एसएस ब्लड डोनेशन ऑफिशियल टीम मिंचनाबाद की तरफ से थैलीसीमिया के बच्चों के लिए एक पुरमन वॉक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद थैलीसीमिया से वामुलनास में आगाही, उनके वालदैन से हमदर्दी, जो बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं उनको वक्त पर ब्लड ना मिलने के नुकसानात पर रोशनी डाली गई। शुरका ने यह भी कहा कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मिंचनाबाद में कोई ऐसा ब्लड बैंक होना चाहिए जो इमरजेंसी की सूरत में बच्चों को ब्लड अवेल करा सके। इस पुरअमन वाक में तमाम शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कसीर अफराद के साथ थैलीसीमिया के बच्चों और उनके वालदैन ने शिरकत की। काबिले जिक्र शुरका में सफिया खान साहिबा, हकीम जुल्फिकार अली साहब, खालिद शाहिद बुटर साहब, सदर बार एसोसिएशन मिंचनाबाद और उनके रुफकाकार प्रोफेसर मोहम्मद रफी साहब, हाजी अहमद यार खोखर साहब, मियाँ बशारत अली कलूका साहब, डॉक्टर इमदाद साहब, शेख मोहम्मद शाहिद इस्लाम साहब, मोहम्मद तैयब पराचा साहब, नाइम शहजाद साहब, अब्दुल मनान पराचा साहब, खान हबीब खान बलोच साहब, सफदर अली साहब, रिजवान लतीफ साहब, जियाउर रहमान साहब, अली असकर साहब, सिटी कॉलेज बॉयज मिंचनाबाद, सिटी ग्रामर स्कूल मिंचनाबाद, सिटी पब्लिक हाई स्कूल मिंचनाबाद, उनके साथ अकराम और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। वाक टी एच क्यू हॉस्पिटल से शुरू होकर मदनी चौक और फिर प्रेस क्लब में इख्तिताम पजीर हुई।